स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, यानी मोदी मेथड। तो एक एग्जांपल से समझते हैं मोदी मेथड। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन टेबल दी गई है, इस पर हमें मोदी मेथड अप्लाई करना है। तो हम इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप वन में हमें क्या करना है कि इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को बोगल्स मेथड द्वारा इनिशियल बेसिक फेजिबल सॉल्यूशन हमें निकालना है, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में आपको करा चुके हैं। तो ये क्वेश्चन हमें बोगल्स मेथड से करके हमने डायरेक्ट लिखा है, इस पर आपको सेल्फ खुद करना है बोगल्स मेथड। तो इसके लिए देखा एलोकेशन हमने यहाँ लिखा है 18, 1, 12, 25, 4, 30। इस टेबल में बोगल्स मेथड से ये एलोकेशंस फिल किए। अब हम समझते हैं मोदी मेथड अप्लाई करते हैं। तो मोदी मेथड में देखिए क्या करना है हमें, स्टेप टू में हमें निकालना है यूआई और ये वीजे। ये यूआई वीजे किस फॉर्मूले से निकालेंगे, ये फॉर्मूला है सी आई जे इक्वल टू यू आई प्लस वी जे। ठीक है, तो यू ये नंबर जो आई नंबर है ये रो के लिए है, ये जे कॉलम के लिए, जैसा कि आप जानते हैं। ओके, अब हमें यू आई वी जे निकालने के लिए सबसे पहला जो हमारा टर्म है वो ये है, हम ये देखेंगे किस रो में सबसे ज़्यादा एलोकेशन है, यानी नंबर ऑफ एलोकेशन मैक्सिमम है। तो फर्स्ट रो में दो एलोकेशन है, सेकंड रो में दो है, थर्ड रो में भी दो, मतलब तीनों रो में दो एलोकेशन है। तो कोई सी भी रो हम टेक कर सकते हैं, बाय द वे थर्ड रो हम टेक करते हैं, आर्बिट्री हम कोई सी भी ले सकते हैं क्योंकि तीनों ही रो में एलोकेशन सेम है। हम मैक्सिमम एलोकेशन वाली रो लेते हैं, ठीक है, तो तीनों में दो दो हैं इसलिए हमने थर्ड रो टेक कर लिया। तो थर्ड रो का जो यू थ्री नंबर है, हमारा थ्री रो है इसलिए यू थ्री यहाँ ज़ीरो लेते हैं। ये मोदी मेथड का पहला पॉइंट है। तो यू थ्री हमने ज़ीरो ले लिया। अब हमने फार्मूला लिया सी थ्री थ्री इक्वल टू ये वाला फार्मूला आई और जे के लिए थ्री थ्री, तो ये यू थ्री प्लस C33 का मतलब है तीसरा रो तीसरा कॉलम। तो तीसरा रो तीसरा कॉलम देखिए, ये यहाँ पर कॉस्ट कितनी है 7, तो C मतलब कॉस्ट है यहाँ पर, तो C33 की जो कॉस्ट है 7 इक्वल टू U3 कितना है, हमने 0 टेक किया है, प्लस V3, इससे V3 की वैल्यू आ गई 7। इस तरीके से हमें और सारी वैल्यू निकाल लिए। तो देखिए C31 हमने अगला नंबर लिया, C31 के लिए फार्मूला बनेगा इसी फार्मूले से U3 प्लस B1। C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम देखिए कितना है 3, इसकी कॉस्ट है 3, तो हमने C31 की जगह लिखा 3, U3 कितना है 0, U3 हमारा 0, हमने 0 लिखा, इससे सॉल्व होकर B1 आ गया। तो देखिए हम जो U3 0 है और इससे हमारा क्या आया V3 7 आया, ठीक है, उसके बाद हमारा जो वैल्यू आ गया ये देखिए B1 3। इस तरीके से हमने देखिए आप लोग खुद करना है आपको, मैंने यहाँ सारी वैल्यूज निकाल ली हैं, इसको देख के आप U1, U2, B1, B2, B3, B4 यानी सारी वैल्यू हमें निकालने हैं। इस तरीके से C31 लिया, C21 लिया, C24 यानी ऐसे नंबर लेते जाइए ये, जिसमें हमें B2, B1, U2, U3 और इनका यूज़ अल्टरनेट होता रहेगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ आइए, हमने U1, U2, U3, B1, B2, B3 ये स्टेप टू में हमने सारा कुछ फाइंड कर लिया। अब स्टेप थ्री के लिए आते हैं।
देखिए थ्री में हमें क्या करना है, हमारा जो थर्ड स्टेप है उसमें हमें फाइंड करना है यू आई प्लस वी जे फॉर ईच रो सेट, यानी हर सेल के लिए कौन सा सेल अनऑक्यूपाइड सेल। अनऑक्यूपाइड सेल वो होता है जिसमें एलोकेशन नहीं है, मतलब जैसे कि हम यहाँ देखें ये वाला अनऑक्यूपाइड सेल है, ये अनऑक्यूपाइड, ये अनऑक्यूपाइड, ये अनऑक्यूपाइड, ये और ये, जिनमें एलोकेशन फेल है वहाँ पर क्या है ऑक्यूपाइड सेल। तो हमें अनऑक्यूपाइड सेल में यू आई प्लस वी जे निकालना है। तो देखिए अब यहाँ से समझते हैं, ये सेल हमारा अनऑक्यूपाइड है, तो यहाँ का हमारा यू आई कितना है, यहाँ देखिए यू आई है -1 और इस सेल के लिए वी जे है V1। तो 3 और -1 को हम क्या करें ऐड करें, तो 3 -1 ऐड करके 2 आया है। ऐसे ही इस सेल के लिए देखो 2 ये अनऑक्यूपाइड सेल है, इसके लिए यू आई है -1 और इसके सामने ये है 0, तो यहाँ कितना आया दोनों का प्लस यू आई प्लस वी जे का -1। ठीक ऐसे ही हमने यहाँ देखा ये अनऑक्यूपाइड सेल है जिसमें एलोकेशन नहीं है, तो यू आई इस सेल के लिए यू आई है 1 और इस सेल के लिए वी जे है 4, 1 और 4 प्लस करके 5 आया। ठीक ऐसे ही इस 9 के लिए देखो 1, 9 के सामने 7, 7 और 1 8। ठीक है स्टेप थर्ड चल रहा है जिसमें हम यू आई प्लस वी जे कॉर्नर पे लिख रहे हैं रेड कलर से। तो अब हमें इस सेल के लिए देखना है, देखिए यू आई है 0 और वी जे है 4, 4 प्लस 0 4। इस सेल के लिए यू आई है 0 और वी जे भी 0, देखो इसके सामने यू आई ये वी जे 0, दोनों का सम 0। तो ये जो कॉर्नर पर लिखे हुए हैं रेड कलर से ऊपर वाले कॉर्नर पर, ये स्टेप थर्ड में यू आई प्लस वी जे जो हमने लिखा है हर सेल के लिए निकाल, अनऑक्यूपाइड सेल के लिए। अगला स्टेप फोर्थ स्टेप हम क्या करना है डी आई जे, डी आई जे का फॉर्मूला है सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे, मतलब सी आई जे कॉस्ट में से हमें यू आई और वी जे का सम हमें माइनस करना है, किन सेल के लिए जो अनऑक्यूपाइड है। देखिए फिर जहाँ हमने ये रेड कलर से यू आई प्लस वी जे निकाला है 2, तो ये तो है सी आई जे सेल के लिए, ये है यू आई प्लस वी जे, तो 5 -2 3 ये क्या हो गया डी आई जे। ओके देखिए यहाँ का डी आई जे निकालना है 2 -1, तो 2 में से -1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, यानी प्लस हो जाएगा। ऐसे इसके लिए 7 -5 2, इस सेल के लिए 9 -8 1, 4 -4 0, 5 -0 5। ये जो नीचे वाले कॉर्नर में रेड वैल्यू लिखी हुई है ये डी आई जे है, आप लिख सकते हैं यहाँ डी आई जे। ओके अब इसके बाद अगला जो स्टेप है उसमें हम ये देखते हैं कि जो डी आई जे आए हैं जितने भी डी आई जे वो सारे पॉजिटिव हैं, या तो 0 हैं या फिर पॉजिटिव। देखिए 3 3 2 1 0 5, यानी नीचे वाले कॉर्नर की वैल्यू जिसको हम डी आई जे कह रहे हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया डी आई जे ग्रेटर 0 या इक्वल, सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज एग्जिस्ट। अगर ये वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर नहीं होती तो हम कह देते सॉल्यूशन इज नॉट एग्जिस्ट, यानी मोदी मेथड। फिर आगे हम देखते क्या करना है। दस देखिए सॉल्यूशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम, तो सॉल्यूशन जो आया वो जो ऑक्यूपाइड सेल हैं उन्हीं के लिए X12 X13 ये 1, ये सारी वैल्यू हमने यहाँ लिखी है जो कॉस्ट के आगे लिख रही है ऑक्यूपाइड सेल में। हमें क्या निकालना है टोटल मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वही मेथड जो हमने और अन्य मेथड में अप्लाई किया है, क्या जो कॉस्ट के सामने अमाउंट लिखा है उसकी मल्टीप्लाई, जैसा कि आप देख सकते हैं 18 × 3 1 × 6 12 × 4 25 × 1 4 × 3 30 × 7। तो ये जो यू आई प्लस वी जे या डी आई जे है ये आपका मोदी मेथड इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ओके टोटल कॉस्ट आया 355 55। ओके
थैंक यू।